व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट डिज़ाइन इंटीग्रेशन कोर्स के बारे में। ज़्यादा देरी नहीं करते गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस दैट लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। लेट्स गेट इन द वीडियो गाइज। मैंने कॉनेस्टो का कॉलेज में अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट कोर्स लेके रखा है डिज़ाइन इंटीग्रेशन। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में AM डिज़ाइन इंटीग्रेशन भी कहेंगे। मैं फ़िलहाल अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ कॉनेस्टो का कॉलेज में। दोस्तों, ये 16 मंथ्स का कोर्स है और इसमें कोई आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। हालाँकि दूसरे कॉलेज ब्रेक्स देती है बीच में 4 मंथ्स का या ऐसा कुछ गैप रहता है, लेकिन कॉनेस्टोगा में ऐसा ये कोर्स में नहीं है। आपको कंटिन्यूस 4 महीने कोर्स ये सीखना पड़ेगा। बीच में हर एक सेमेस्टर में 21 दिन का गैप आता है जिसमें आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा, और हर 7th वीक के बाद 8th वीक में अपने को सेमेस्टर ब्रेक मिलता है। उस 8th वीक में कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं रहती है, आप रिलैक्स वगैरह कर सकते हैं। कोर्स की डिफ़िकल्टी के बारे में बात करें तो उतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। बेसिकली डिज़ाइन रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे सॉलिड वर्क्स है, इन्वेंटर है, ऑटोकैड है, ऑन शेप की क्लाउड कंप्यूटिंग आता है। अगर आपको कोर्स में ईजिली पास वगैरह करना है तो आजकल बहुत सारे AI ऑप्शन वगैरह भी है जिसकी हेल्प लेके आप स्टडी में एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप डिज़ाइन एंथुसिएस्ट है, उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो ज़रूर से ये कोर्स चूज़ करें। और अगर ये कोर्स ले रहे तो मेक श्योर यू डू द सॉलिड वर्क कोर्स। लाइक इट इज़ अराउंड लाइक 3 or 4 months कोर्स इन इंडिया, सो मेक श्योर यू लर्न द सॉलिड वर्क्स एंड बेसिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। मेक श्योर यू हैव द बेसिक स्किल्स टू दैट रिक्वायर टू डू डिजाइनिंग, सो दैट विल हेल्प यू। अगर आप ये कोर्स वगैरह करके आते हैं सॉलिड वर्क्स वगैरह का, जैसे मैं सूरत से हूँ तो सोपान इंस्टीट्यूट से मैंने किया हुआ है डिज़ाइनिंग का, तो उसने मेरे को, अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मैंने ईजिली अपना क्लियर कर लिया था क्योंकि मैंने 3 मंथ्स का सॉलिड वर्क्स वगैरह का कोर्स करके रखा था, जिसकी वजह से मेरे को उतना दिक्कत नहीं आई। तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह इंग्लिश वगैरह में बोलते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, जॉब्स वगैरह भी साथ में होते हैं। तो अगर मेरे को वो बात का एकदम बेनिफिट हुआ था कि मेरे को सॉलिड वर्क्स वगैरह पहले से आता था, तो उतना दिक्कत वगैरह होता नहीं था, जॉब वगैरह मैं अच्छे से कर पाता था। जैसे हम लोग आए थे तो नया रूल आया था कि हम 40 घंटे काम कर सकते हैं। ये वगैरह चीज़ें जो मैंने इंडिया से करी थी वो हेल्प करती है। बाकी कोर्स की डिफ़िकल्टी तो उतनी कुछ है नहीं। असाइनमेंट्स वगैरह भी ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल वगैरह में उनकी सहायता से, अगर किसी को आता नहीं है तो ग्रुप वगैरह में बैठ के भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह। और थोड़ा अपने को आता है, जैसे बेसिकली पहले से नॉलेज है तो उतना बर्डन नहीं रहता स्टडी वगैरह का। अच्छे से जॉब वगैरह, अगर जॉब मिलती है गाइस तो अच्छे से हम जॉब वगैरह कर पाते हैं। और बात करेंगे फैकल्टी के बारे में, तो फैकल्टी यहाँ पे गाइस बहुत ही एक्सपीरियंस होती है। इंडिया की तरह नहीं कि पहले बैचलर्स किया फिर मास्टर करके अचानक से प्रोफेसर बन गए और उतना फील्ड का नॉलेज नहीं है। यहाँ पे जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी 30 या 40 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है उनके पास, कम से कम 10-20 साल, 5 साल वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो और पार्ट टाइम में यहाँ पे गाइज प्रोफेसर का जॉब कर रहे हैं, तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। पेन और पेपर बेस्ड कोई लिखना वगैरह का, जैसे हम बैचलर्स में असाइनमेंट्स वगैरह लिखते थे GTU में, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम नहीं है। पूरा हमें लैपटॉप वगैरह में ही असाइनमेंट्स वगैरह बनाना रहता है और पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड ही काम होता है, और बाकी जो असाइनमेंट्स है वो वर्ड पेड या फिर पावर पॉइंट वगैरह में बनाने रहते, तो आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स का झमेला यहाँ पर नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कॉनेस्टोगा में भी आपको पब्लिक मिलेगी, स्टूडेंट्स वगैरह का भी सपोर्ट मिलेगा, अपने रीजनल इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि कल्चरल डिफरेंस उतना आएगा।
डाइवर्स कल्चर है तो वो भी दिक्कत रहेगा नहीं। बाकी लैब्स वगैरह भी अच्छी खासी है, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पे बैठ के आप प्रोजेक्टर पे जो प्रोफेसर दिखा रहे हैं वो आसानी से आप देख पाएंगे। अगर आज के लिए बस इतने ही गाइस, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप मैकेनिकल फील्ड से है और आपको इस रिगार्डिंग अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट डिजाइन इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए आपके एकेडमिक्स के रिगार्डिंग तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैंशन कर दूंगा। वीडियो को जितना हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश की है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। हैव फन।